हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चका चेक। दोस्तों, हम सब ने अपने आसपास किसी न किसी पुलिस वाले को देखते हैं, लेकिन क्या आप उन सभी पुलिस वाले को उनकी वर्दी को देखकर पहचान पाते हैं कि उनकी पोस्ट क्या है? वो एक कांस्टेबल है या फिर इंस्पेक्टर या फिर SP? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे किसी पुलिस को देखकर पहचान सकते हैं कि उनकी पोस्ट क्या है। तो चलिए जानते हैं आप पुलिस को उनके पोस्ट के अनुसार कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पुलिस वाले को आप उनके वर्दी से पहचान सकते हैं। हर पुलिस वाले की वर्दी खास होती है। खास इस मायने में होती है कि उनके वर्दी पर जो बैज लगा होता है वह अलग अलग होता है, जो उनके पोस्ट को बताता है। तो चलिए अब जानते हैं कांस्टेबल से लेकर DGP तक को आप उनके वर्दी पर लगे बैज से कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कांस्टेबल के बारे में। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल का पोस्ट सबसे छोटा पोस्ट होता है। कांस्टेबल की वर्दी पर जो बैज लगा होता है वह सिर्फ एक साधारण पट्टी के रूप में रहता है, उस पर कोई सिंबल नहीं रहता है। अब से अगर आप इस तरह के साधारण पट्टी वाले किसी पुलिस को देखें तो समझ जाएं कि वह एक कांस्टेबल है। अब जानते हैं कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर के पोस्ट यानी कि सीनियर कांस्टेबल के बारे में। दोस्तों, सीनियर कांस्टेबल की वर्दी पर ऐसी पट्टी रहती है। इस पट्टी का रंग हो सकता है कि अन्य राज्य में भिन्न भी हो, लेकिन जो पट्टी होगी वह इसी डिजाइन की होगी जिसमें V आकार के दो लकीर होंगे। इसके बाद सीनियर कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। इनके कंधे पर इस तरह का बैज रहता है। दोस्तों, इसमें भी V आकार के तीन लकीर रहती है। बैज का रंग हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो, लेकिन डिजाइन यही रहता है। अब जानते हैं इन सबसे ऊपर के रैंक के पोस्ट को यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कंधे पर जो पट्टी होती है उसमें एक स्टार लगा हुआ रहता है और नीचे की तरफ दो पट्टी लगी हुई होती है जो लाल और नीले रंग की होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर जो पोस्ट होता है वह सब इंस्पेक्टर कहलाता है। दोस्तों, इनके कंधे पर जो पट्टी रहती है उसमें दो स्टार लगे हुए रहते हैं, साथ में नीचे की तरफ लाल और नीले रंग की दो पट्टी भी लगी हुई रहती है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर से ऊपर का पोस्ट इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर के कंधे पर जो पट्टी रहती है उस पर 3 स्टार लगा हुआ रहता है, साथ ही इनके भी कंधे पर लाल और नीले रंग की पट्टी रहती है। इसके बाद अब जानते हैं इन सबसे ऊपर के पोस्ट यानी DSP। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे आप ऐसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, DSP के कंधे पर जो पट्टी लगी हुई रहती है उसमें सिर्फ 3 स्टार होता है और किसी भी तरह का कोई अन्य सिंबल या कोई अन्य रंग की अतिरिक्त पट्टी नहीं होती है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि DSP और SCP, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दोनों एक ही रैंक होते हैं, इसलिए दोनों की वर्दी पर लगे बैच सेम होते हैं। सिर्फ पोस्ट का नाम अलग अलग होता है। जो महानगर में पोस्टेड होते हैं वह SCP कहलाते हैं और जो अन्य शहरों में पोस्टेड होते हैं वह DSP कहलाते हैं। इसके बाद अब जानते हैं इनसे ऊपर रैंक यानी ASP, जिसे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, को आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, जब कोई IPS अपने ट्रेनिंग के पीरियड में रहता है तो उन्हें यह पोस्ट मिलता है। इस दौरान उनके बैज उनकी ट्रेनिंग पीरियड को भी दर्शाता है, वह कितने दिनों से ट्रेनिंग में है। दोस्तों, इनके बैज की खासियत यह होती है कि उस पर आपको IPS लिखा हुआ मिलता है। जब इनके बैज पर एक स्टार दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में है। जब इनके बैच पर 2 स्टार दिखे तो समझना ये ट्रेनिंग के सेकेंड ईयर में है। इसी तरह जब ये ट्रेनिंग के थर्ड ईयर में होते हैं तो इनके कंधे पर 3 स्टार लग जाते हैं। दोस्तों, जब असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब ASP कहलाते हैं। इनके कंधे पर जो पट्टी रहती है उसमें एक अशोक स्तंभ होता है और नीचे में IPS लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, इनके ऊपर जो पोस्ट होता है वह SP यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है। इनके कंधे पर जो पट्टी होती है उस पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार रहता है, साथ ही पट्टी में IPS लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, SP के ऊपर होता है SSP यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर पट्टी में एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे हुए रहते हैं, साथ ही IPS भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ आप यह ध्यान रखिए कि SSP का जो रैंक होता है वही रैंक DCP यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी होता है। दोनों का बैज भी सेम ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि DCP महानगरों में पोस्टेड होते हैं जबकि SSP अन्य शहरों में पोस्टेड होते हैं। चलिए अब जानते हैं इनसे ऊपर के पोस्ट को। इनसे ऊपर DIG होते हैं जिन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर सेंट्रल ऑफ पुलिस कहते हैं। इनके कंधे पर जो पट्टी रहती है उस पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे हुए रहते हैं, साथ ही पट्टी पर IPS भी लिखा हुआ रहता है। इनसे ऊपर का पोस्ट IG का होता है यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का।
दोस्तों इनके कंधे पर जो पट्टी लगी हुई रहती है उसमें एक स्टार लगा हुआ रहता है और साथ में क्रॉस का निशान भी बना हुआ रहता है। क्रॉस का निशान एक तलवार और एक स्टिक से मिलकर बना हुआ रहता है, साथ ही नीचे की तरफ IPS भी लिखा हुआ रहता है। दोस्तों IG से ऊपर ADG होते हैं जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। दोस्तों इनके कंधे पर लगी पट्टी में एक अशोक स्तंभ होता है और एक क्रॉस का निशान होता है, साथ में IPS भी लिखा हुआ रहता है। दोस्तों इनसे ऊपर DGP होता है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों इनका बैज और ADG का बैज दोनों सेम होता है लेकिन पावर में अंतर होता है। DGP किसी राज्य के पुलिस का मुखिया होता है यानी राज्य भर के सभी पुलिस इनके अंदर होते हैं, राज्य में इनसे ऊपर पुलिस का कोई पोस्ट नहीं होता है। दोस्तों अगर आप भी पुलिस बनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए उस पर भी एक कम्प्लीट वीडियो बना रखी है, आप उसे जरूर देखें, उसमें आपको पुलिस बनने की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी किसी भी पुलिस को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि उनका पोस्ट क्या है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।